हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर करें। देखिए, यू स्मॉल फाइनेंस जो है कि बुरी कंपनी नहीं, लेकिन आपको इतना ही बताना चाहते हैं। देखिए, ये जो है कि अगर किसी को फास्ट वे में रिटर्न चाहिए तो वो चाहे तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, देखिए फास्ट वे में रिटर्न तो लेने जा रहे हो, लेकिन क्या है, फास्ट वे में गिरावट भी हो सकता है। इसलिए आपको जो है कि जिनको अच्छा लग सकता है, जिनको अच्छा लगता है तो आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, प्लीज़ जो है कि आप मेरे वीडियो को देख करके आप जाके ब्लाइंडली डिसीजन मत लेना। देखिए, वीडियो हमारा देखिए, किसी का देखिए, लेकिन डिसीजन जो है कि आपका ही होना चाहिए। लेकिन इतना ही बताना चाहते हैं, देखिए कंपनी में एक हाई वॉलेटाइल रहता है, और जो है कंपनी एक रिस्की कंपनी है। रिस्की होने का मतलब क्या है, इसके नाम के ही आगे लिखा है जो कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, स्मॉल कैप मतलब क्या है कि एक लार्ज कैप देखा जाए तो एक लार्ज कैप मिड कैप इसका टाइप का जो है स्टॉक दिखता है, लेकिन क्या है, वॉलेटाइल इसमें वैसे ही है। चलिए, हम फटाफट स्टॉक के ऊपर जंप कर लेते हैं। सबसे पहले इसके कुछ ओवरव्यू देखेंगे। देखिए दोस्तों, है तो एक लार्ज कैप कंपनी, लेकिन इसका जो अप्स एंड डाउन्स रहता है वो एक स्मॉल कैप टाइप का रहता है, मिड कैप टाइप का। माफ़ करना, स्मॉल कैप बोल दिया लेकिन मिड कैप टाइप का रहता है। देखिए, आप 42,000 करोड़ का, 43,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। 1,362 का जो है करंट प्राइस चल रहा है। देखिए, हाई से एकदम बिल्कुल करीब है, 910 का इनका लो है, 45 का पी है, जो 196 का जो है कि 10 का फेस वैल्यू है। दोस्तों, हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं, देखिए कंपनी जो है बुरी नहीं है, लेकिन एक रिस्की पॉइंट यही है कि हाई वॉलेटाइल रहता है, जिनको अच्छा लगता है वो चाहे तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताएं, देखिए है तो ये बैंक एक भी ए बी बैंक ही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, देखिए सबसे छोटी बैंक यही है जो कि AU स्मॉल फाइनेंस, 8वें नंबर पे इनका नाम आता है। चलिए, एक बार इनके हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे। देखिए, मार्च 2019 से देखेंगे, सीधा नेट प्रॉफिट को देखेंगे। देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट जो है कि इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको, नेट प्रॉफिट 118, 190, 172, 190, 122, 201, 300, 400, 169, 200। देखिए दोस्तों, उसी रेंज में कंपनी चल रही है अभी तक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे, देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए जो कि बैंक का देखा जाता है, एनपीए। देखिए दोस्तों, एनपीए इनका कैसा डाउन ट्रेंड में है, आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए 25.5, देखिए बढ़ा, फिर डाउन डाउन डाउन, अभी तक तो जो है कि नेट एनपीए इनका ऐसे ही देखा जाए तो ऐसे ही नेट एनपीए भी है, अच्छा है। जो कि देखिए दोस्तों, अभी तक तो सब सारे हमको पॉजिटिव दिख रहे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए फ्यूचर में जो है बैंक अपने को अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, चाहे तो आप कंसीडर कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। चलिए, एक बार इनके हम पैनल को भी चेक करेंगे। देखिए, मार्च 2010 से इनके पैनल देखेंगे, रेवेन्यू भी देखिए दोस्तों, 50, फिर 150, फिर 250, फिर 450, 600, 700, 1,000, 1,200, 1,700, 2,900, 2,942, 2,400, 2,550। देखिए दोस्तों, रेवेन्यू कितना कंसिस्टेंसी जो है कि अच्छा खासा है। उसके बाद इंटरेस्ट से इनके पास देखिए इनकम आता है, उसके बाद जो है कि एक्सपेंसिस भी उसी रेंज में रहेगा। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं, देखिए नेट प्रॉफिट एक बार इनके देख लेते हैं। देखिए, 12, 42, 50, 80, 92, 140, 212, 800, 22, 292, 382, 600, 1100, 900। देखिए दोस्तों, हम इतना ही कहना चाहते हैं, कोविड के बाद सारे बैंक में ऐसे ही हैं जो कि ये भी चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज ए पैनिक वाली बात नहीं। प्लीज़ जिनके पास है चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, जिनको भी बाइंग करना है एक बार क्वार्टर फोर के जो है कि रिजल्ट आप चाहे तो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए इनके जो रिजर्व्स भी हैं आज तक के जो है कि सबसे अच्छे ग्रोइंग मोड में है, 6,000 करोड़ के पास इनका आसपास जो है कि रिजर्व्स है। बोरिंग तो देखिए बैंक में है, बैंक है तो बोरिंग वहाँ पर रहेगा ही। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मैं आपको बता दें, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, प्रमोटर के पास 28% का जो है कि स्टेक आज भी इनके पास है, और 33% देखिए जहां पे FIs ने सारे शेयर में बिकॉली की है तो वहां पे जो है कि एक्यूमुलेट किया है, आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। दूसरा, DIs ने माल को बेचा है तो कोई एज ए पैनिक वाली बात नहीं, पब्लिक ने माल को उठाया है तो कोई बात नहीं, पब्लिक ने अच्छे शेयर को उठाया है AU स्मॉल। चलिए दोस्तों, हम आ गए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए जो है कंपनी के हम आपको जब से हमने आपको बताया है दोस्तों, देखिए 5 दिन में इनके चार्ट को देख लीजिए, 5 दिन में 9%, उसके बाद 1 महीने में देखिए 24%। हमने आपको पहले बताया था जो है कि कंपनी जो है 1100 की रेंज में चल रही थी, 1050 के आसपास जो है। 6 महीने का एक बार दिखाते हैं, देखिए कंपनी में एक हाई वॉलेटाइल है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए, यहाँ पे गिरावट, फिर यहाँ पे गिरावट, अप्स एंड डाउन से चाहते हैं, प्लीज़ इतना लॉन्ग टाइम रिटर्न चाहिए। देखिए, कंपनी ने एक साल में जो है कि 9 से 10% बना के दिया, एज ए बैंक है तो देखिए बैंक के हिसाब से ही दिया, कोई एज ए पैनिक वाली बात नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों, रिस्की पॉइंट समझिए चाहे कुछ भी समझिए, देखिए रिस्की पॉइंट यही है कि हाई वॉलेटाइल इस कंपनी में है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं, देखिए 5 साल का इनका चार्ट देखेंगे, 5 साल में कंपनी ने 128% का रिटर्न बना के दिया, जो कि बुरा एकदम नहीं है। कंपनी ने 2020 में जो है कमबैक किया हुआ है। उसके बाद एक बार इनका मैक्सिमम देख लेते हैं। देखिए, मैक्सिमम जस्ट अभी जस्ट कंपनी जो है कि 5 साल कंपनी को हुआ है आकर के, 5 साल हो गया है। लेकिन आपको इतना ही बताना चाहते हैं, अगर किसी स्मॉल, देखिए दोस्तों बहुत छोटे छोटे बैंक में लोग क्या है, 30-40 रुपये वाले में पैसा लगाते हैं। हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं,
कि छोटे छोटे बैंक में पैसा लगाने से अच्छा है कि आप 100 शेयर खरीदें, उससे अच्छा है कि आप चाहे तो एक शेयर दो शेयर कंसीडर कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। हम इतना ही बताना चाहते हैं कि अगर 1200 के अभी जिनको बाइंग करना है प्लीज़ जो है कि इसको अभी अवॉइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है दोस्तों। क्योंकि क्या है कि अभी अपने हाई पे ही मिल रहा है स्टॉक को जो है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो इसलिए आप चाहे तो कभी क्या अभी आप इनके एक बार फ्यूचर के मतलब माफ़ करना इनके जो है Q4 के रिज़ल्ट आप चाहे तो देख करके आप चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। जिनको ऑरेजिंग करना है वो भी अभी बचे।